हेलो फ्रेंड्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टू जीन इंटरैक्शन व्हिच इज़ एक्सेप्शन टू मेंडेलियन प्रिंसिपल आल्सो कॉल्ड दस पोस्ट मेंडलिज्म तो मेंडल के जाने के बाद इन 1900 देखा गया कि जिस तरह से मैंडल के लॉज थे इनहेरिटेंस के या डाई हाइब्रिड जो क्रॉसेस थे उनको वेरीफाई करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसी तरीके से एक्सपेरिमेंट किए और डाई हाइब्रिड रिजल्ट लाने की कोशिश की तो यहाँ पे हमें कुछ एक्सेप्शन्स दिखाई देती हैं जिसको पोस्ट मेंडलिज्म कहा जाता है एंड वन ऑफ़ द एक्सेप्शन इज टू जीन इंटरेक्शन वेअर टू जीन्स ऑफ द सेम पेयर और जीन्स ऑफ टू और मोर डिफरेंट पेयर इन्फ्लुएंस वन एन अदर देन इट इज़ कॉल्ड एज जीन इंटरैक्शन बेसिकली जीन इंटरेक्शन क्या है जब दो जीन्स जो कि एक ही क्रोमोज़ोम पे प्रेजेंट हो या फिर दो जीन्स जो दो अलग अलग क्रोमोज़ोम्स पे प्रेजेंट हैं और दोनों मिलके किसी एक करेक्टर को या किसी एक फिनोटाइप को एक्सप्रेस करती है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं टू जीन इंटरेक्शन हियर वी कैन सी हेयर एम मेकिंग टू क्रोमोजोम्स विच आर नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम्स तो यहाँ जो नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम हैं यहाँ पर दो डिफरेंट जीन्स हैं एक है सी जीन एंड एक है पी जीन तो सी और पी दो अलग अलग क्रोमोजोम्स प्रेजेंट है दे आर नॉन एलिलिक जीन्स सो वी कैन कॉल इट एज अ नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्शन इन्फ्लुन्सिंग ए पर्टिकुलर फिनोटाइप नाउ वी हैव सर्टिन एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन एलिग जीन इंटरेक्शन्स यहाँ पर हम क्या देखते हैं हमारे पास तीन अलग अलग हमारे पास बेसिक तीन अलग अलग जो है इंटरेक्शन्स देखे गए हैं और यहाँ पर नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन में हमने क्या देखना है कि दी दीज आर द इंटरेक्शन्स बिटवीन जीन्स ये जीन्स के बीच के इंटरेक्शन हैं विच आर लोकेटेड एट डिफरेंट लोकाई ऑन द सेम क्रोमोजोम एक ही क्रोमोजोम के दो अलग अलग लोकाइपे हैं या फिर दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम्स जैसा कि हमने डायग्राम में पहले ही देख लिया है एंड हैंड्स दे आर कंट्रोलिंग सिंगल फिनोटाइप एक ही फिनोटाइप को कंट्रोल करते हैं टू प्रोड्यूस अ डिफरेंट एक्सप्रेशन टू प्रोड्यूस ए डिफरेंट एक्सप्रेशन तो यहाँ पे हमारे पास नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन जो है वहाँ उस तरीके की जीन इंटरेक्शन करवाने के लिए करवाए जाते हैं क्रॉसेस दैट आर वेरी मच सिमिलर टू दी डाई हाइब्रिड क्रॉसेस तो मेंडल की तरह ही डाई क्रॉसेस करवाए गए एक्सपेक्ट किया गया दैट दे विल गेट नाइन रेशो थ्री रेशो थ्री रेशो वन बट देयर आर एक्सेप्शन दैट वी विल सी इन दीज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ जीन इंटरेक्शन इज़ कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स द सेकेंड वन इज ड्युप्लीकेट जीन्स एंड द थर्ड वन इज एपिस्टेसिस नाउ दिस कॉम्प्लीमेंट्री ड्युप्लीकेट एंड एपिस्टेसिस विच इज एपिस्टेसिस इज फदर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स दैट इज डोमिनेंट एपिस्टेसिस एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस तो अब इन तीनों को हमने देखना है कि किस तरह से ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स की बात करते हैं तो नाम से ही पता चल जाता है कि अगर दो जीन्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं यानी कि दोनों जीन्स अगर अपनी डोमिनेंट स्टेट में हैं तभी वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक्सप्रेस कर पाएंगे एक पर्टिकुलर फीनो को या करेक्टर को एक्सप्रेस कर पाएंगे तो बौद्ध जीन्स आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर हेयर इन कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स द टू जीन्स प्रेजेंट ऑन दि सेपरेट लोकाई दैट इंटरेक्ट टूगेदर टू प्रोड्यूस ए डोमिनेंट फीनो टाइप करेक्टर एंड नीदर ऑफ देम इफ प्रेजेंट लोन कैन एक्सप्रेस इट्सल्फ अगर एक भी नहीं होगा तो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा ये जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स हैं इसमें सबसे पहले बैट्सन एंड पन्नट ने एक एक्सपेरिमेंट किया स्वीट पी पे द साइंटिफिक नेम ऑफ स्वीट पी इज लेथायरस ऑर्डोरेटिस तो लथायरस ऑडोरेटस में उन्होंने देखा कि कलर ऑफ द तो फ्लार द पर्पल कलर ऑफ फ्लार which is developed as an interaction between dominant genes capital C and capital P. तो so, दोनों genes आपस में interact करते हैं तभी हमारे पास flower का purple color आता है इफ़ एनी एबसेंट यानी या तो सी या तो पी इन दोनों में से अगर एक भी डोमिनंट एलील एब्सेंट होगी तो फ्लावर का कलर व्हाइट होगा ये हमने केमिकल इंटरेक्शन से समझाया है कि जो सब्स्ट्रेट ए है वो सबस्ट्रेट बी में कन्वर्ट होता है और सबस्ट्रेट बी एंथोसाइनिन में एंड एंथोसाइनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पर्पल कलर तो उसके लिए जीन सी और जीन पी दोनों का होना इम्पॉर्टेंट है अब यहाँ पे पेरेंट्स लिए गए और दोनों जो फ्लावर्स हैं वाइट फ्लावर्स लिए गए जिसमें कि जीनो टाइप थी कैपिटल सी कैपिटल सी स्मॉल पी स्मॉल पी होमोजाइगस स्टेट में एंड एक और कैप वाइट फ्लावर जिसमें स्मॉल सी स्मॉल सी कैपिटल पी कैपिटल पी था अगेन होमोजाइगस पर्पल रिजल्ट कब आएगा अगर कैपिटल सी कैपिटल पी दोनों प्रेजेंट होंगे अगर स्मॉल सी स्मॉल सी या स्मॉल पी स्मॉल पी है तो वाइट कलर ही आएगा यहाँ पे हम अपना क्रॉस करके गैमीट्स बना रहे हैं दोनों फ्लावर्स के वाइट फ्लावर्स की, की जिससे हमारी एफ वन जेनरेशन आती है जिसमें हम कैपिटल सी कैपिटल पी देखते हैं तो दिस इज एन हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग विच इज ऑफ पर्पल कलर तो यहाँ पे पर्पल कलर का हमारे पास फ्लावर आ जाता है तो so, ये जो पर्पल कलर फ्लावर क्या कैसे आया है क्योंकि कैपिटल सी कैपिटल पी बोथ दी जीन्स आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर नाउ वी विल डू द सेल्फिंग ऑफ दिस एफ वन जनरेशन यहाँ पर हम देख सकते हैं डायग्राम में एक वाइट कलर का फ्लार है एक पर्पल कलर का फ्लार है राइट और इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट आते हैं अब हमने सेल्फिंग करवानी है तो सेल्फिंग करवाते वक्त हम क्या करते हैं हम बनाते हैं दोनों पेरेंट्स के मेल और फीमेल गैमीट्स यानी कि एक तो पोलन ग्रेन का अंदर जो गैमीट होता है स्पर्म वो और एक एग तो एग हमारे पास चार जीनोटाइप पॉसिबल हैं और स्पॉर्म के भी चार जीनोटाइप पॉसिबल हैं तो इस तरीके से हम एक एफ टू क्रॉस बनाएंगे अब इस एफ़ टू क्रॉस में हमने क्या देखना है कि अगर एक भी ऐसा जीनोटाइप है जिसमें कैपिटल सी कैपिटल पी है वो हो जाएगा पर्पल कलर और ऐसा जीनोटाइप जिसमें कोई भी अगर एक कैपिटल पी प्रेजेंट नहीं है या कैपिटल सी प्रेजेंट नहीं है तो वो होगा वाइट तो इस क्रॉस पे हम देखते हैं कि लगभग लगभग एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ ऐसे जीनोटाइप हैं जिसमें कैपिटल सी और कैपिटल पी दोनों ही प्रेजेंट हैं तो, तो दर नाइन फ्लावर्स विच आर पर्पल इन कलर एंड द रेस्ट सेवन फ्लावर्स आर वाइट इन कलर बिकॉज दे आर लैकिंग इधर कैपिटल सी और इधर कैपिटल पी तो यहाँ पे जो रिजल्ट हमारे पास आएगा कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का दैट विल बी नाइन रेशो सेवन राइट तो नाइन रेशो सेवन हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट्री जी हमने देखा स्वीट पी के अंदर। दूसरा हमारे डुप्लीकेट जीन में एक भी अगर जीन डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है दो जीस में से एक भी जीन अगर डोमिनेट फॉर्म में या डॉमिनेंटिक फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो हमारे पास एक डोमिनेंट फिनोटाइप ही एक्सप्रेस करेगा कॉम्प्लीमेंट्री में इस कैपिटल सी और कैपिटल पी का होना ज़रूरी था डोमिनेंट में ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है ये इस केस के अंदर हम एग्जाम्पल लेते हैं कैप्स्यूल ऑफ पर्स जिसका साइंटिफिक नेम कैप्सीला है इमेज हम देख सकते हैं तो यहाँ पे इस कैप्सीूल की दो अलग अलग शेप्स होती हैं एक हमारे पास ट्राइंगुलर शेप कैप्स्यूल होता है और एक टॉप शेप टॉप यानी कि ओवल टाइप अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो जीन्स हैं ये दोनों अगर एक साथ भी प्रेजेंट हों एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव या दोनों डोमिनेंट या एक डोमिनेंट बी जैसे हमारे पास ए और बी जीन है तो अगर ए भी प्रेजेंट है तो भी ट्रायंगुलर कैपिटल बी भी है तो भी ट्रायंगुलर अगर दोनों ही कैपिटल नहीं है तो जाके हमारे पास टॉप शेप डालती है जैसे कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी इस ट्राइंगुलर एंड स्माल स्मॉल बी स्मॉल बी इन होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन इज टॉप शेप तो इनके गेमीन्स और एफ हाइब्रिड बनाते हैं तो ट्राइंगर कैप्स्यूल आता है जिसकी हम फर्दर सेल्फिंग करवा देते हैं और सेल्फिंग करवाने के बाद हमारे पास आती है एफ टू जनरेशन हमें पता है एफ टू जेनरेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम गेमीन्स तैयार करते हैं फिर उसके बाद हम इनके जीनो टाइप करेंगे जिसमें हमारे पास टोटल सिक्सटीन ऑफ स्प्रिंग आएंगे और उन सिक्सटीन में से हम देखेंगे कि सोलह जीनो टाइप में हमारे पास ज़्यादातर पंद्रह जीनोटाइप ऐसे हैं जिसमें एक ना एक कैपिटल जीन तो प्रेजेंट है ही है तो ऐसे कितने हैं टोटल फिफ्टीन हमारे पास पंद्रह ऐसे जीनो टाइप हैं जो कैपिटल हैं और एक ही है जिसमें कोई भी कैपिटल नहीं है हैंस दी Well. पंद्रह ट्राइंगुलर और एक अवॉइड है तो सोलह में से इस तरह से हमारे पास आ जाता है दर्ड एग्जाम्पल ऑफ एपिस्टाइसिस दर्ड एग्जाम्पल ऑफ जीन इंटरेक्शन इज एपिस्ट्रेसिस एपिस्टाइसिस में क्या होता है एक जीन दूसरे जीन को माफ कर देता है दूसरे जीन की अफेक्ट को ढक देता है उसको सप्रेस कर देता है तो अजीन मास्क और हाइड्स द एक्शन ऑफ एनदर जीन एंड दे आर नॉन एलिल जीन्स एंड इट इज टर्म्ड एज एपिस्टेटिक जीन और जो इस प्रोसेस को हम एपिस्टेसिस कहते हैं और जिस जीन को मास्क किया जाता है उसको बोलते हैं हाइपोस्टेटिक जीन तो जो जीन सप्रेस करेगा वो होगा एपिस्टेटिक जो सप्रेस हो जाएगा वो है हाइपोस्टेटिक एपिस्टेसिस भी दो तरीके का है डोमिनेंट एंड रिसेसिव रिसेसिव एपिस्टेसिस में हम क्या देखते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस में एक भी रिसेसिव या होमोजाइगस कंडीशन वाला जो जीन होता है दैट कैन मास्क दी इफेक्ट ऑफ डोमिनेंट एलील ये हम केस देखते हैं माइस के बॉडी के कलर में तो माइस का जो वाइल्ड बॉडी कलर होता है उसको हम एगोवटी बोलते हैं जो कि ग्रेश कलर का होता है तो ग्रेश कलर की माउस की बॉडी होती है अब ये क्यों होती है क्योंकि कैपिटल सी और कैपिटल ए दोनों ही प्रेजेंट हैं तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो मास्क कर सके किसी के भी इफ़ेक्ट को लेकिन दो और कलर की बॉडीज़ होती हैं एक होता है एल्बिनो और एक होती है कलर्ड बॉडी एल्बिनो आएगी जब स्मॉल सी स्मॉल सी आएगा क्योंकि ये जो है एक एपिस्टेटिक जीन की तरह एक्ट करेगा जो कैपिटल ए को सप्रेस कर देगा और यहाँ पे कलर्ड वाले में स्मॉल ए स्मॉल ए जो है कैपिटल सी को सप्रेस कर देगा तो इस तरह से हम पेरेंट्स बनाएंगे एक कलर्ड और एक एल्बिनो जिनका हम गैमीट्स तैयार करते हैं और फिर आती है एफ वन जनरेशन जो बनती है एगॉटी तो कलर्ड और एल्बिनो को क्रॉस करके एगॉटी बनती है जिसमें इंटरब्रीडिंग करवा के हम गैमीट्स तैयार करवाते हैं इन्हीं सारे गैमीट्स की जो है फर्दर जो इंटरेक्शंस हैं जो क्रॉसिंग हो जाती है तो हमारे पास सिक्सटीन ऑफ स्प्रिंग्स आते हैं अब सिक्सटीन ऑफ स्प्रिंग में हमने किस तरह से देखना है कि कौन सा एगोटी कौन सा कलर्ड और कौन सा एलबीनो है जिसमें भी कैपिटल सी और कैपिटल ए होगा वो हमारे पास होगा एगोटी यानी कि ग्रेइश कलर्ड बॉडी माइस तो यहाँ पे कितना है यहाँ पे हम देख सकते हैं इट इज़ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन देर आर नाइन अगौटी अगर हमें देखना है कि यहाँ पे कलर्ड कितने हैं एल्बिनो कितने हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चार स्मॉल सी स्मॉल सी वाले हैं और ये स्मॉल सी स्मॉल सी कैपिटल ए के एक्शन को क्या करते हैं हाइपोस्टेटिक रोक देते हैं तो ये चार हो गए एल्बिनो और बाकी बचे हमारे पास स्मॉल ए स्मॉल वे वाले तीन केस जो कि हैं कलर्ड तो स्मॉल ए स्मॉल जो है कैपिटल सी को सप्रेस कर देता है सो दिसिव एपिस्टेसिस की जो फिनो टाइप है दैट इज़ नाइन रेशो थ्री रेशो फोर इन केस ऑफ कलर्ड ऑफ

हमारे पास कुकुरटा पीपो के जो फ्रूट होते हैं फ्रूट के कलर में ये चीज़ देखी जाती है तीन रंग के फ्रूट होते हैं एक हमारे पास होता है वाइट कलर्ड फ्रूट येलो कलर्ड फ्रूट और जो थर्ड वन होता है वो होता है ग्रीन कलर्ड फ्रूट यहाँ पे थोड़ा सा वाइट लिख दिया हुआ है बट यहाँ होगा ग्रीन कलर्ड फ्रूट अब ये काम कैसे करता है वाइट वाला नंबर वन डोमिनेंट है येलो वाला नंबर टू डोमिनेंट है और जो ग्रीन वाला होगा वो तो प्योर रिसेसिव फॉर्म में होता है तो पेरेंट्स हम लेते हैं एक वाइट एक ग्रीन जो वाइट है उसमें W आना चाहिए और जो ग्रीन है उसमें सब कुछ रिसेसिव होना चाहिए इनके गेमीज तैयार करके F1 वन आती है जो कि आती है वाइट जिसकी करा दी गई है सेल्फिंग अगर हम F1 वन जनरेशन की करवा देंगे सेल्फिंग तो अब हम देखेंगे हमारे पास 16 ऑफ स्प्रिंग आएंगे अब 16 ऑफ स्प्रिंग में वाइट कौन सा होगा जहाँ भी कैपिटल W प्रेजेंट हो वो बनेगा वाइट फ्रूट अगर कहीं पे स्मॉल स्मॉल W की WW स्मॉल हो और A कैपिटल Y हो तो बनेगा येल्लो और जहाँ पे सब कुछ रिसेसिव हो वो बन जाएगा ग्रीन फ्रूट तो यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू कितने में है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और ट्वेल्व देर आर ट्वेल्व वाइट कलर्ड फ्रूट ऑफ कुकरबीटा पीपो नाउ इट्स थ्री येलो एंड रिमेनिंग वन इज ग्रीन सो जीनफिनो टाइप ऑफ डोमिनट एपिस्टेसिस ट्वेल्व रेशो थ्री रेशो वन So this is about the gene interaction which is exception to the Mendelian principle where we study complementary genes, duplicate genes and epistatic genes and here we have the genotype of all these three uh, genes, all these three different types of gene interactions. So I hope that you like this video and if you did then please don't forget to like, subscribe, share, comment. Thank you.